मेरा नाम वाजिद अली है, वाघा बॉर्डर के पास मेरा गांव छापा है। मैं थर्ड जनरेशन में आता हूं जो फार्मिंग कर रहे हैं। इससे पहले मेरे दादा अबू क्या करते थे फार्मिंग, उसके बाद मेरे अबू और उसके बाद ये मेरे तक पहुंची है। साथ मेरी बहनें हैं, दो हम भाई हैं। मेरे वालद साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और साथ में वो खेतीबाड़ी भी करते हैं। हम बहुत छोटे हुआ करते थे जब हमारे दादा बू हमें साथ ले जाया करते थे गोद में उठा के, और फिर हमें वो सिखाते थे कि खेतीबाड़ी को किस तरह से करना है, बीज ज़मीन में किस तरह से उगाना है, गोडी किस तरह से करनी है, फसल को तोड़ना किस तरह से है और पानी किस तरह से लगाना है। मैंने 2003 में TCF स्कूल में दाखिला लिया और 2007 में TCF स्कूल से मैट्रिक किया 80% मार्क्स के साथ। जो इन्वायरमेंट एक हाईली फर्निश्ड स्कूल्स का जो इन्वायरमेंट था वो हमें हमारे गांव में ही अवेलेबल हो गया, और जो स्टाफ था TCF का वो हाईली एजुकेटेड था। पांच बहनें मेरी और एक भाई मेरे जो TCF से एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। मैं इन्हें जब देखता हूँ तो इसमें मुझे अपनी एक झलक नज़र आती है। ख़ास तौर पे मेरा जो भाई है सैयद मोहम्मद साजिद अली, उसे मैं देखता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ज़रूरत पड़ती है वो भी मुझे असिस्ट कर रहा होता है फार्मिंग में। मैट्रिक के बाद मैंने फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर में दाखिला ले लिया। सेकेंड ईयर के पेपर्स के दौरान मेरे वालिद साहब का रोड एक्सीडेंट हो गया। घर का जो बजट था अब्बू के हादसे की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मेरे वालिद साहब ने मुझे समझाया कि बेटा आप तालीम को भी जारी रखें और खेतीबाड़ी को भी। फैमिली में मैं फर्स्ट पर्सन हूँ जिसने एमकॉम किया और साथ में फार्मिंग भी मैं कर रहा हूँ। अब ये चीज़ जो है ये मोटिवेट करती है मेरे सिस्टर एंड ब्रदर्स को, कज़न्स को और मेरे फैमिली मेम्बर्स को। एक इंडिविजुअल के तालीम हासिल करने से सिर्फ उस एक इंसान को फ़ायदा नहीं होता बल्कि पूरे माशरा उससे फ़ायदा हासिल कर रहा होता है। मेरा जो अपना एक विल है वो ये है कि मैं इस फार्मिंग को इनोवेट करूं, इसको मीडियम और लार्ज स्केल तक लेकर चलूं।